आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मऊ में आज बीजेपी का बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय कार्यक्रम के संयोजक हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जनता का भीड़ भी वहां पर जुटनी शुरू हो गई है और मऊ के घाट में जनसंवाद कार्यक्रम अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है। जनता का जमावड़ा शुरू हो चुका है। आज बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, जहां जनसंवाद के जरिए आज जनता से बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुड़ेंगे। पूर्व आईएएस और मौजूदा एमएलसी एके शर्मा भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में रहे पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि भीड़ का जुटना अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, वो चुनाव जिसको लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले विजय रथ यात्रा निकाली गई और वहां पर यह बताया गया मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इसका रिपोर्ट कार्ड बीजेपी सरकार पेश की और उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से 6 जनविश्वास यात्राएं शुरू की गई। फिलहाल इस वक्त माहौल क्या है और माहौल जानने के लिए हम आए थे आज उत्तर प्रदेश की मऊ जिले के मधुबन विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर एक चुनावी जनसभा जो है वो चल रही है नए साल के अवसर पर। उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है वो बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, बहुत ही मजबूत होने वाला है, क्योंकि सपा की भीड़ और दूसरी तरफ बीजेपी में जब रैलियां हो रही हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की भीड़ ये साफ साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव एक तरफा तो नहीं हुआ। फिलहाल आज जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं वो कार्यक्रम नया वर्ष नई उमंग आपके संघ के नाम से उत्तर प्रदेश में अभी शुरू हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी एके शर्मा, क्योंकि पूर्व आईएएस भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, वो आने वाले हैं अब थोड़ी देर में यहाँ पर वो आएंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं राज्य मंत्री उत्पल राय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद एमएलसी एके शर्मा जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि वो मऊ के ही रहने वाले हैं, थोड़ी देर में अभी आएंगे और ये जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की वो कामयाबियां हैं जो नेता आज जनता के बीच उपस्थित रहेंगे, बीजेपी की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही आने वाले चुनावों के लिए हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे। तो जनता की भीड़ जुटना शुरू हो गई है और अब कुछ ही देर में जो बीजेपी के दिग्गज नेता है जनता के बीच मौजूद होंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे और साथ ही जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका ब्यौरा भी देते हुए नजर आएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।